हरदोई शहर कोतवाली क्षेत्र जिसने एक बार फिर से हरदोई पुलिस की पोल खोल दी है और एक बार फिर बदमाशों के आतंक से थर्राया शहर। पूरा मामला हरदोई के रेलवे गंज चौकी इलाके का है। दिनेश कुमार वर्मा बंदी विभाग में स्केनो हरदोई में था। जुलाई में हमारा ट्रांसफर अम्बेडकर नगर को हुआ। वहाँ से दशहरे दीपावली की छुट्टी में यहाँ हरदोई आ रहा था। रात से 12 बजे रात में 12:40 पर जो है यहाँ स्टेशन से उतरा। उसके बाद जो है ई रिक्शा पर बैठा और ई रिक्शा पर चार लोग पहले से थे और उन्होंने कहा कि जो है पहले मिल क्लब ले चलो, उसके बाद आपको छोड़ेंगे। और उधर लेके हमसे जो हमारे साथ मारपीट किया जो है, और जो है हमारा चैन अंगूठी और पर्स और ATM मोबाइल छीन लिया, हाथ पैर बांध दिए थे। उसके बाद जब हम वहाँ से निकल किसी प्रकार जो है रोड पर आए, तब हमको पुलिस वाले मिले। पुलिस वाले लाके हमको यहाँ जिला प्रधान में भर्ती करवाया। अब आपकी स्थिति क्या है और डॉक्टर्स ने क्या कहा है? स्थिति ठीक है, डॉक्टर ने यहाँ से रिफर करके है लखनऊ के लिए, वहाँ जाना है सिटी स्कैन करवाने के लिए बताया है। स्टेशन पर जिस इस रिक्शे में वो सफर कर रहे थे उसी में पहले से मौजूद 3 लोगों के रिक्शे के सुगर मिल एरिया में ले जाए गए, जहां पीड़ित को बेल्ट और ईंटों से मारपीट कर बदमाशों ने नकदी चैन ATM और मोबाइल लूट लिया। बदमाश पीड़ित दिनेश को वहीं छोड़कर भाग गए। खून से लथपथ दिनेश किसी तरह से भाग कर मेन रोड पर आए, जहाँ उन्हें कुछ पुलिस कर्मियों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जिला अस्पताल में गंभीर हालत देकर पीड़ित को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। SPN 9 News के लिए हरदोई से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट।